एक बार के लिए वीडियो देखो गुरु लोग, उसके बाद आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। आपको मालूम है रामानुजन की डेथ कैसे हुई थी? सर जी, ही डाइड ऑफ कोल्ड। और हुआ क्या कि उनको ये नहीं समझ में आया कि जो जिस चादर पे वो सो रहे हैं उसी के नीचे ब्लैंकेट है, एंड ही स्लेप्ट विदाउट अ ब्लैंकेट, ही डाइड। तो जो आदमी एक मामले में जीनियस है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हर बात सही समझता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। He died because he could not find a blanket in his bed. एक काम में आप होशियार हैं, दूसरे काम में आपको नहीं अकल है, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि ललन टॉप के एक टॉक शो के दौरान डॉक्टर ऑर्थो का जो ब्रांड एम्बेसडर है जावेद अख्तर, वो एक फैंसी सा कंक्लूजन ड्रॉ करता है कि कोई भी व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर फील्ड या सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, वो जरूरी नहीं कि वो जीवन में हर बात को सही से समझे। अब देखो, जो एक कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, मुझे इससे कोई खास इशू नहीं है, जो ये बात बोली है ऐसा हो सकता है, एंड आई थिंक जनरली ऐसा होता भी है। मगर सर, श्रीनिवासन रामानुजन का नाम यूज करके जो एक काल्पनिक कहानी सुनाई है, ये क्या था भाई? सबसे पहले तो इतना लूज स्टेटमेंट इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने आप ऐसे ही रख देते हो, ये आपकी अवेयरनेस को दर्शाता है। जब भी आप दुनिया के महानतम गणितज्ञ की बात कर रहे हो, तो आप इंश्योर करोगे कि आप एटलीस्ट फैक्चुअल बेसिस पर तो स्ट्रांग हो। आप ध्यान दोगे कि किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन आप ऑडियंस तक पास ना कर दो। आई एम श्योर कि यदि आप सर श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो, उनकी लाइफ के बारे में आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि उनकी डेथ किसी कोल्ड के चलते नहीं हुई थी। एंड आई एम वेरी श्योर कि इस पूरी ऑडियंस जो वहां बैठी थी, उसमें भी एक छोटा सा चंक ऐसा होगा जिसे ये बात पता होगी। बट सैडली, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद ऑडियंस तालियां बजा रही है। इस क्वेश्चनर के दौरान क्यों ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने खड़े होकर इस महानुभाव के इस स्टेटमेंट को करेक्ट किया हो? क्यों किसी ने उठकर इस बात का मेंशन नहीं किया कि सर श्रीनिवासन रामानुजन की डेथ से रिलेटेड हमें सिर्फ दो ही रीजन मिलते हैं। फर्स्टली, जो हमें प्रमुख रीजन बताया जाता है वो ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है जिसके कारण उनकी डेथ हुई। सेकेंडली, जो बताया जाता है कि वो हेपेटिक अमीबोइसिस नाम की बीमारी से इन्फेक्टेड थे, जिसके कारण उनका लिवर डैमेज हो गया था और अल्टीमेटली फेल हो गया था, जिसके कारण उनकी डेथ हुई। क्यों किसी ने ये नहीं पूछा कि जावेद अख्तर जी, जो आप ये कहानी गढ़ रहे हो, इसका रेफरेंस आप कहां से दोगे? आपने किस पुस्तक में ये कहानी पढ़ी कि श्रीनिवासन रामानुजन को कोल्ड हो गया था और वो ब्लैंकेट नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उनकी डेथ हो गई? खुद एक बार सोच कर देखो कितना पैथेटिक साउंड कर रहा है ये स्टेटमेंट। और देखो यार, ऐसा सब क्वेश्चन पूछना या इस बात का मेंशन करना खासकर कि ऐसे टॉक शोज में इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको एक लार्जर ऑडियंस सुन रही है। इतनी बड़ी ऑडियंस में आई एम वेरी श्योर एक चंक ऐसा भी होगा जिन्होंने सर श्रीनिवासन रामानुजन का नाम तो सुना होगा, बट उनकी लाइफ के बारे में या उनकी डेथ से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। अब जब वो घर जाएंगे तो इस कंक्लूजन को अपने साथ ले जाएंगे और जो ये कहानी इन्होंने गढ़ी है, ये कहानी भी उनके मस्तिष्क में रहेगी। बट इसका कंक्लूजन जो है कुछ फैंसी सा साउंड कर रहा है और हर कोई अपने कन्वर्सेशन में फैंसी कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। अब जब भी वो कहीं बात करेंगे तो इसी कंक्लूजन को इसी कहानी के साथ वो यूज करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन और भी दूसरे माइंड्स तक पैडल होगी। वो माइंड जिनके पास सर श्रीनिवासन रामानुजन के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास भी ये मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। मगर आई थिंक इसमें उस ऑडियंस की भी कोई गलती नहीं है। हमारे ही देश में हमारे ही ग्रेट एंसेस्टर्स और उनके वर्क के बारे में हमें कभी डिटेल में बताया ही नहीं जाता। जैसा कि आपको याद होगा कि 8 अप्रैल 2016 में एक मूवी रिलीज हुई थी, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। अब यूनाइटेड किंगडम में बनी ये मूवी सर श्रीनिवासन रामानुजन की लाइफ पर बेस्ड थी। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, इस मूवी को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अमेरिका, कैनेडा, पूरे यूरोप की कई कंट्रीज में रिलीज हुई। बट वेरी सरप्राइजिंगली, भारत की किसी भी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में इस मूवी को डब ही नहीं किया गया। जहां आप देखोगे कि हॉलीवुड की हर मूवी हिंदी डब की जाती है क्योंकि एक अच्छा मार्केट है। बट इसका क्या रीजन था कि इस मूवी को कभी हिंदी में रिलीज नहीं किया गया? बट उस मूवी को देखने के बाद एक बात जो रियलाइज होती है या कंक्लूड होती है कि कोई भी आर्ट फॉर्म, खास करके वीडियो फॉर्मेट का जो आर्ट फॉर्म है, ये एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, एक इंटरेस्टिंग वे हो सकता है स्टोरी टेलिंग का, खास करके हमारे उन एंसेस्टर्स के बारे में बताना जिन एंसेस्टर्स के बारे में जनरली स्कूल बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि इन मूवीज से आप एक लार्जर ऑडियंस को आसानी से पकड़ सकते हो। वहीं हमारी अगर मूवी इंडस्ट्री की बात करें तो इन्होंने तो कभी प्रयास ही नहीं किया कि सर श्रीनिवासन रामानुजन की लाइफ पर बेस्ड एक मूवी बनाई जाए, उनकी लाइफ को पोर्ट्रे किया जाए। हालांकि कुछ इंडिविजुअल क्रिएटर्स ने कुछ छोटे छोटे प्रयास किए हैं, मगर वो एक लार्जर ऑडियंस, खास करके जो स्टूडेंट वाला ऑडियंस है, उसको पकड़ नहीं पाए। अब फिर हम भारत में बात करते हैं साइंस की, रिसर्च की, इनोवेशन की। वहीं हमारे ऐसे ग्रेट एंसेस्टर्स, उनकी लाइफ को, उनके वर्क को हम सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व किया जिसे दुनिया के महान गणितज्ञ जूझ रहे थे। और फिर आ जाते हैं ये जावेद अख्तर जैसे लोग
जो अपने ही स्टेटमेंट को कंक्लूड करने के लिए कुछ भी फालतू स्टोरीज में सर श्रीनिवासा रामानुजन जैसे महान मैथमेटिशियंस का नाम यूज कर लेते हैं, और जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दिया गया है, भाई मुझे तो बड़ा ही पैथेटिक और बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल साउंड किया। बाकी मुझे नहीं पता कि आपको ये कितना ठीक लगा या गलत लगा, इसलिए अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके ओपिनियंस जेन्युइनली जानना चाहूंगा। बाकी बीएचएनएल मैच पर जो अपने डिस्कशन चलते हैं वो तो चलते ही रहेंगे। जय मां भारती।